खबर है मिर्जापुर से। रेलवे स्टेशन परिसर में नवनिर्मित पैदल यात्री उपगामी पुल का लोकार्पण आज दिनांक 28 अक्टूबर को मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री भारत सरकार अनुप्रिया पटेल द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। अपने व्यक्तित्व में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि नगर की जनता को देखते हुए पैदल यात्री उपगामी पुल का सौगात बनवाकर रेलवे के माध्यम से जनता को सौंप कर दिया। प्रेस प्रतिनिधियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिर्जापुर की जनता को विकास की ओर सौगात देते हुए प्रसन्नता हो रही है तथा रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 8.6 करोड़ की लागत से बनाए गए पैदल यात्री उपगामी पुल का सौगात सरकार द्वारा मिर्जापुर की जनता को दिया जा रहा है। उसके अलावा मिर्जापुर रेलवे स्टेशन अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में शामिल है या नहीं, मिर्जापुर चुनार एवं विंध्याचल भी इस योजना में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड्डू खां। मिर्जापुर की जनता को विकास की एक और सौगात समर्पित करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता है। रेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 8.6 करोड़ की लागत से यहां पर फुट ओवर ब्रिज नया बनकर तैयार हुआ है, जिसकी चौड़ाई लगभग 6 मीटर है और हमारे 1, 2 और 3 प्लेटफॉर्म्स को एक साथ कनेक्ट करेगा। यात्रियों की सुविधाओं की श्रृंखला में एक और नया अध्याय जुड़ गया है और इसके साथ ही हमारा ये मिर्जापुर रेलवे स्टेशन भारत सरकार की अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत भी सम्मिलित है, जिसमें इसे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा और मिर्जापुर के 3 स्टेशन मिर्जापुर, विंध्याचल, चुनार, वो तीनों इस योजना में सम्मिलित है। इसके साथ ही आज हमारे जनपद में रेलवे के तरफ से एक और महत्वपूर्ण काम हुआ है। अहरोरा रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नारायणपुर बाजार रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में काफी समय लगा लेकिन ये बहुत पुरानी मांग थी जिसका निस्तारण जरूरी था, क्योंकि अहरोरा रोड रेलवे स्टेशन नारायणपुर बाजार में स्थित है और इसलिए वहां के यात्रियों के अंदर एक भ्रम की स्थिति सदैव उत्पन्न होती रहती थी, क्योंकि अहरोरा स्थान जो है वो 20 किलोमीटर की दूरी पर है नारायणपुर बाजार से। तो लंबे समय से ये मांग थी, आज अंततः उसका निस्तारण हुआ है और अहरोरा रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदल के नारायणपुर बाजार कर दिया गया है। नया स्टेशन साइन बोर्ड जनता को समर्पित कर दिया गया है।